अब आपकी वापसी हो गई है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुई है, क्या हुआ, खान साहब से आज आपकी मुलाकात हुई? देखिए मंसूर साहब, आज वहाँ पे अदालत में हम गए खान साहब के साथ और खान साहब ने मुझे जो है वो डायरेक्शंस दी और उसके बाद मैंने अपनी ट्वीट्स भी कर दी और वो ट्वीट्स के मुताबिक जिस तरह से खान साहब ने डायरेक्शंस दी उसके मुताबिक जो है वो अभी काम आगे किया जाएगा। मुझे जो प्रपोजल था कि इसमें हटाया जाए, खान साहब ने उससे एग्री नहीं किया, तो उसके बाद जो है जो मुझे पहले की तरह जो मैं काम कर रहा था, अब जाहिर है उसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लीगल कमेटी के हेड हैं, ठीक है। वही डायरेक्शंस देते हैं, वही वो चूज करते हैं। तो मुझे जो खान साहब की तरफ से हुक्म ये मिला है तो जैसे उनका हुक्म होगा उसकी तामील की जाएगी। और इससे पहले जो आपको फिर जो निकाला गया था वो खान साहब के कहने पे नहीं निकाला गया था? देखिए मंसूर, ओवर हो चुका है ना, आप इससे आगे देखना है, हम युक्सु होना चाहते हैं खान साहब की रहाई की तरफ, उनके मुकदमात की तरफ, अच्छा बजाय इसके कि हम इन बातों के ऊपर टाइम जाया करें। ये हो चुका, खान साहब ने जब ये कह दिया, खान साहब का आपात हम सबके लिए जो है हर पे आकर होती है और मेरे लिए वो बहुत वो एहतराम की, इसलिए जो है वो उसमें मजीद जो है वो बहस की गुंजाइश नहीं है। एक वाकया था, ओवर हो चुका, आप उससे आगे जो हमारी पूरी तो जो है वो खान साहब के केसेस पे है, उनकी रहाई पे है, ताकि वो आवाम में वापस आएं और सियासत में भरपूर हिस्सा ले सकें। बिल्कुल ठीक।